हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम, जो कि काफ़ी अपने बदहाली के कारण काफ़ी चर्चा में रहा। हर जगह इसका नाम फेमस हुआ, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, इसकी सबसे बुरी स्थिति के लिए। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि इसका फिर से निर्माण का काम शुरू होगा, लेकिन कब से होगा किसी से मैं पूछ रहा हूँ तो कोई अच्छे से बता नहीं पा रहा है। तो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेकर मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज बनाने को। दिख रहा है मोइनुल हक स्टेडियम का ग्राउंड इस तरह से, और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे मैच का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यह जूम करके दिखाएंगे, उससे पहले बता दें जस्ट मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में आपको मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन का अंडरग्राउंड वर्क हो रहा है, जो कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होने वाला है। मतलब आप ज़मीन के ऊपर से ही आप सीढ़ी के जरिए नीचे जाएंगे, पटना मेट्रो का जो ट्रेन है आपको पकड़ने के लिए मिलेगा और उसके जरिए आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब नीचे की तरफ दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ प्लेयर्स जो खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ प्लेयर्स यहाँ पर अपना मैच का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ मैदान में साइड में आपको कुछ लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, जो कि कुछ प्लेयर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं दूसरे पारी के, और कुछ लोग बैठे हुए हैं उससे जो क्रिकेट हो रहा है उनके से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, और दो चार पब्लिक लोग हैं जो यहाँ पे अभी भी टेस्ट मैच प्रैक्टिस देखने के लिए आए हुए हैं। तो उस साइड से भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और सब जगह का दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से कितना बदहाली में है, और इसके बारे में भी और अच्छे से डिटेल से कुछ नया जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये मैच हो रहा है, और यहाँ देख सकते हैं ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, इसके जरिए जो भी है क्रिकेटर आउट होते हैं या अपना लौट के फिर से मतलब बैटिंग करने के लिए जाते हैं, या आउट होने के बाद लौटते हैं ना, तो आने जाने के लिए गैलरी है जो नीचे से इस तरह से रास्ता दिया गया है और इस तरह से घेरा गया है। पब्लिक लोगों का गैदरिंग होता है, आना जाना रहता है, और इस तरह से ये रास्ता है। तो ये रास्ता घूम के जाता है आपको अंदर की तरफ, और इस तरह सबसे जैसे आपको देखे हुए हैं बाकी क्रिकेट स्टेडियम में वैसा ही कुछ है। तो अभी भी तो फिलहाल कोई काम नहीं लगा हुआ है, हो सकता है कि इसके ऑफिशियल कार जो भी कागज पत्र वगैरह होते हैं कागजी काम, तो उसमें डिले हो सकता है। बाकी जो जंगल झाड़ घास फूस वगैरह थे वो सारे साफ हो चुके हैं, पहले से थोड़ी सफाई हो चुकी है, बाकी इसको फिर से रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही बदतर स्थिति में है, और इसके अंदर गैलरी में प्रवेश करना सही नहीं रहता है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तो ये फिर से जब बन के सही हो जाएगा ना, तब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि 27 साल बाद, यानी 27 साल एक टाइम होता है कोई भी भवन का स्थिति अगर इस तरह से जर्जर हो जाए तो समझिए कि काफ़ी बुरी स्थिति में है, तो उसको सही से होना भी जरूरी। बहुउद्देशीय स्टेडियम ने 1996 क्रिकेट विश्व कप में से एक सही 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है। स्टेडियम की क्षमता 25,000 लोगों की है। इसका उपयोग क्रिकेट और एसोसिएशन फुटबॉल के लिए किया जाता है। यह बिहार रणजी टीम का मैदान है। सरकार ने स्टेडियम के विकास की क्षमता को बढ़ाकर 42,500 करने का प्रस्ताव किया है। इसका रखरखाव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार रणजी टीम की वर्तमान में इस मैदान पर कई रणजी मैच खेले थे। रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की बदहाल व्यवस्था पर किरकिरी होने के बाद पटना के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए। नीतीश सरकार इस स्टेडियम का पुनर्विकास कराएगी और इसे वर्ल्ड क्लास बनाएगी। तेजस्वी यादव ने बुधवार को मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास और नवनिर्माण की समीक्षा की। उन्होंने विश्व स्तरीय स्टेडियम के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी, साथ ही अधिकारियों को डीपीआर का काम पूरा कर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया। तो दोस्तों डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मतलब उससे रिलेटेड जो भी है डिटेल वगैरह पूरा अच्छे से, ताकि उसके निर्माण के लिए अच्छे से है ना योजना बनाया जा सके, तो उसका रिपोर्ट होता है। तेजस्वी यादव ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद बताया कि मोइनुल हक स्टेडियम में विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होगा। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5-स्टार होटल रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पटना मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ ही अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की रूपरेखा तय करने के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है।
तो स्टेडियम में चल रहे मैच की बात करें तो 27 साल पहले मैच हुआ था और उसके बाद अब मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बीते 45 साल से इस स्टेडियम का रिनोवेशन नहीं हुआ। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से चल रहा गुटबाजी भी इसका प्रमुख वजह है। अब बिहार सरकार ने इस स्टेडियम की वर्ल्ड क्लास बनाने का फैसला लिया है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली में कब बन पाता है, क्या बन पाता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तो इस्तीफा दे दिया। तो बिहार को विकासशील और प्रगतिशील बनाने के मुद्दे से भटक के ये लोगों का अलग ही एक खेल हो रहा है, तो उस खेल से ये निपटे तब जाकर बिहार का विकास हो। तो इसे बनाने के लिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर काम स्टार्ट होगा, कह सकते हैं कि 6 महीने प्लस लग सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं पूरी तरह से क्लियर होके यही कह सकता हूँ। बाकी लोगों का यहाँ भी मैंने पूछा था तो पूछने में पता चला कि 6 महीना प्लस लगेगा ही लगेगा, मतलब ये कह सकते हैं कि साल भर भी लग सकते हैं इसके काम को स्टार्ट होने में। फिलहाल यहाँ पे जो भी थे जंगल झाड़ थे, कूड़ा कचरा था, उसे हटा के साफ कर दिया गया है। चलिए ठीक है, ऊपर से साफ सफाई हो चुकी है तो थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो सीढ़ी के नीचे इसके रूम है तो उसके अंदर जाइएगा तो आपको जहां तहां से रोशनी आती हुई दिखाई देगी क्योंकि दरार फटे हुए हैं। तो आप लोगों से कृपया रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं इसके स्टेडियम के अंदर में ना जाए, कि इसके अंदर में स्थिति काफी इसकी मतलब सही नहीं है, जिसके कारण है ना इसके अंदर प्रवेश मना है। बाकी इसके पहले के वीडियो में मैंने इसके काफी जर्जर स्थिति को काफी अच्छे से अंदर में घुस घुस के जहाँ पे सीढ़ी के नीचे जो बहुत सारे हॉल वगैरह रूम वगैरह बने हुए हैं उसको मैंने दिखाने की कोशिश की। तो मैं इस बार जो है बाहर का आपको दिखाकर बोर नहीं करूंगा, तो अंदर में आ चुका हूं दिखाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए। इसके बारे में तो कोई कुछ सही से बता नहीं पा रहा, या संभावित डेट इसका कोई तो कह रहा है कि भाई 6 महीना, साल भर, 2 साल, ऐसे ऐसे मतलब अटकले लगाए जा रहे हैं। जिसको जो इच्छा है वो इस तरह से पेंट और साफ सफाई कर दिया गया है। ऊपर में देख सकते हैं जहाँ पे मेन ऑफिस होता है, जहाँ पे VIP लोग बैठते हैं और मैच को देखते हैं, वो मेन गेट है मोइनुल हक स्टेडियम का। और ये मैं अंदर का सीन दिखा रहा हूँ मैच का, मैदान का, जो भी क्रिकेट का जो मैदान है उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस साइड में देख सकते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ पे ये ऑफिस है। तो ये जो क्रिकेट ग्राउंड है अब ये BCCI के हवाले है, इन्हीं के अंदर में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा या जो भी इस स्टेडियम का ध्यान रखा जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी BCCI की है, इस तरह से ऐसा बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ से फिर आपको जो जमीनी स्तर है और ऊपर में जो है आपको फ्लोर है, जो कि अंदर में आपको मतलब बहुत सारे रूम्स वगैरह मिल जाएंगे कुछ रहने के लिए। देख सकते हैं जंगल झाड़ वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह जो थे तोड़ तोड़ के हटा दिए गए, जला दिए गए, इस सब से कुछ राख बिखरे पड़े हैं। तो हम ये मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम के तरफ से ये आपको दिखाते हुए आ रहे हैं और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जहाँ पे आप मंदिर देख रहे हैं ना, जस्ट इसके ऊपर है स्कोर बोर्ड। तो यहाँ पे आपको मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का स्कोर बोर्ड, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में है, देख सकते हैं इस तरह से ऊँचा सा है। तो इसी के अंदर में जो है ना स्कोर बोर्ड का ये किया जाता है। और यहाँ से ये गेट है जो बंद है, और बीच में हर जगह सीढ़ी पे है ना आपको गेट है, अलग अलग भाग में बांटा गया है। नहीं तो हम आपको है ना ऊपर से जाके आपको इसका भी स्थिति दिखाते। और एक वाच टावर है काफी ऊंचा में, वहाँ भी देख सकते हैं। ये मोइनुल हक स्टेडियम आगे बढ़ के यहाँ से घूम जाता है और आगे में देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े बस खड़े हैं और कुछ लोहे के सामान है, बहुत सारे वायर वगैरह है। तो ये सब हो रहा है आपको मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन बनाने की तरह। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।